आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है? भारत विश्वगुरु बने ये हर भारतवासी चाहता है, मगर ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, इसके लिए क्या प्लान है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में 5 पॉइंट्स में बता दिया। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारत को विश्वगुरु बनाने का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत देश भाषण देने से विश्वगुरु नहीं बनेगा, बल्कि देश को विश्वगुरु बनाने के लिए नियत और विजन दोनों की ही जरूरत है। अपने भाषण में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने इन दिनों देश में चल रहे हालातों पर बात की। उन्होंने कहा कि आज देश में एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है। आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। अगर हमें विश्वगुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर वन देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। साथ ही केजरीवाल ने साथ साथ 8-8 घंटे के पावर कट पर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं, कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी, किसान कैसे बुआई करेगा, अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो। अगर हमें दुनिया में विश्वगुरु बनना है, तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने शिक्षा पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश के 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन सरकारी स्कूलों की हालत खटारा है। जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 14,500 सरकारी स्कूल केंद्र सरकार ठीक करेगी। पर पूरे देश में तो 10,00,000 सरकारी स्कूल हैं, 10,00,000 सरकारी स्कूल। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे, तो 10,00,000 सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। केजरीवाल ने देश में गरीबी को कैसे ठीक करना है, इसका भी मंत्र बताया। मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है, मेरा सपना हर गरीब को अमीर बनाना है। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं, और हर गरीब तब अमीर बनेगा जब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, जब उसके बेटे को शानदार शिक्षा मिलेगी। और आखिर में केजरीवाल ने हेल्थ पर बात करते हुए कहा कि देश में पैदा होने वाले हर आदमी को अच्छा सरकारी इलाज नहीं मिलता है। सरकारी दिल्ली को छोड़ दें, देश के अन्य हिस्सों में
सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, डॉक्टर आते नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट होते नहीं है, कोई इलाज नहीं होता। हर आदमी चाहता है मैं प्राइवेट में जाके इलाज कराऊं। जब तक इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छे से अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तब तक मेरा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारे देश में कितने गांव ऐसे हैं दूर दूर तक, अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा, दो लोग चारपाई पे उठा के उसको इतनी दूर चलते जा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचने के लिए। मैंने हिसाब लगाया है, देश के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है। 1,00,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए, पूरे देश में कोने कोने में 1,00,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। सबको फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए केवल 2,50,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 2,50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 4,00,000 करोड़। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज पूरे देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च करती हैं। एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। ये जो पैसा चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है सारा पैसा, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जैसे दिल्ली में हमने ठीक किया, जैसे पंजाब में हमने ठीक किया, अगर पूरे देश के अंदर मैनेजमेंट ठीक कर दिया जाए तो इस देश के हर आदमी को फ्री में शानदार इलाज मिल सकता है। बताते चले कि केजरीवाल का मानना है कि यदि भ्रष्टाचार को रोका जाए और साफ नीयत के साथ काम किया जाए तो देश को विश्वगुरु बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।